जिला प्रशासन चमोली द्वारा सिमली ग्वालदम सड़क चौड़ीकरण के लिए सामाजिक अध्ययन कर सड़क चौड़ीकरण में प्रभावित होने वाले भू स्वामियों से सुझाव जानने के लिए सामाजिक समाघात आकलन सर्वेक्षण बैठक का आयोजन किया गया। गुरु रामराय स्नातकोत्तर महाविद्यालय देहरादून से आई टीम ने थराली के जिला पंचायत भवन में स्थानीय लोगों और व्यापारियों के साथ बैठक कर ग्वालदम सिमली सड़क चौड़ीकरण पर सुझाव मांगे ताकि सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना बनाई जा सके। बताते चले कि देश की सीमाओं और इनकी सुरक्षा के मद्देनजर सरकार ने भारतमाला प्रोजेक्ट में इन सड़कों को रखा है जो सीमा से लगते हैं। ऐसे में इन सड़कों का कुल 24 मीटर चौड़ीकरण और विस्तारीकरण का कार्य होना है। इसी के तहत जिला प्रशासन ने सामाजिक समाघात आकलन सर्वेक्षण के लिए नामित एजेंसी और प्रभावितों की बैठक के जरिए सुझाव मांगे ताकि भू अधिग्रहण और मुआवजे के लिए कार्य योजना तैयार की जा सके। बैठक में आए स्थानीय व्यापारियों और भू स्वामियों ने जहां सड़क चौड़ीकरण और विस्तारीकरण का स्वागत करते हुए देश की सामरिक सुरक्षा के लिए सड़कों का विस्तारीकरण जरूरी बताया, वहीं अपने सुझाव देते हुए कहा कि परियोजना में स्थानीय लोगों के रोजगार पर प्रभाव न पड़े इसका भी ध्यान रखा जाए। स्थानीय लोगों ने बाजार की सुरक्षा की मांग करते हुए सड़क चौड़ीकरण के लिए अन्य विकल्पों पर भी चर्चा करने की बात कही। स्थानीय लोगों ने कहा कि बाजार बड़ी मुश्किल से बसे हैं और सड़क चौड़ीकरण में दुकानें मकान कटने से बाजार पूरी तरह उजड़ जाएंगे जिन्हें दोबारा बसाना मुश्किल है। ऐसे में कार्यदायी संस्था और जिला प्रशासन बाईपास सड़क ले जाने पर भी सर्वे करे ताकि सड़क चौड़ीकरण भी हो जाए और स्थानीय लोगों के रोजगार पर भी कोई नुकसान न हो। पहले तो बाजार पर विस्तारीकरण किया जाए, बाईपास की व्यवस्था कराई जाए। बाजार अगर कटिंग होगा तो बहुत नुकसान होगा, कई लोगों का रोजगार छीना जाएगा जो कि बसना दोबारा मुश्किल है। इससे हम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा जिससे कि बाजार की स्थिति काफी नाजुक है। पहले से व्यापार की स्थिति बहुत टाइट चल रही है। बाजार विस्थापन जो 7 मीटर रोड कटे उसी में बाजार का काफी नुकसान हो गया, व्यापारियों को बहुत दिक्कत आई। सरकार की इस पहल का स्वागत करते हैं। हम भी चाहते हैं कि सड़क बने, प्रोडक्ट बढ़ेगा, लेकिन जिस हिसाब से अगर बाजार को निस्तारण करके अगर सड़क बनता है तो स्वीकार किसी को नहीं है। दूसरा, कई गरीब लोग हैं जिनका रोजगार यहीं चलता है, कई बड़े बड़े परिवार पलते हैं यहाँ पे रोजगार से। तो मेरा सरकार से ये निवेदन है, मैंने आज उन लोगों से निवेदन किया है, अपना सुझाव दिया है कि एक टेक्निकली टीम बनाई जाए और एक कुछ इस तरीके का व्यवस्था बनाई जाए कि जो कि बाजार भी ना टूटे और सड़क भी बन जाए। अगर सड़क चौड़ी होती है तो लोग प्रभावित होंगे, लोगों के घर प्रभावित होंगे, आवासीय लोगों की परेशानियों सामने आएंगी। और थराली को लेकर के लगभग पिंडर घाटी का एक बड़ा बाजार जिसको हम कहते हैं थराली को, वो वहाँ पर लोगों के रोजगार प्रभावित होंगे। घर गाँव से आकर के लोग दुकानदारी करते हैं और शाम को अपने रोजी रोटी का किसी तरीके से बना पाते हैं। और अगर बाजार यहाँ से चौड़ीकरण से प्रभावित होता है, दुकानें प्रभावित होती हैं, तो लोगों की आजीविका पर सीधे सीधे प्रभाव पड़ेगा। हमारा तो सुझाव यही है कि बाजार को ज़्यादा छेड़छाड़ न करते हुए अगर विकल्प ढूंढे जाएं सड़क के तो अच्छा रहेगा। विकल्प कई सारे हो सकते हैं जिनके ऊपर बातचीत हो सकती है, लोगों के बीच चर्चा परिचर्चा करके ही विकल्प भी ढूंढा जाना चाहिए ताकि बाजार भी बना रहे, बाजार में लोगों का आवागमन भी सतत रूप से हो और आजीविका प्रभावित न हो और सड़क जो विकास का प्रमुख पैमाना है वो भी बने। जो रोड का ये चौड़ीकरण किया जा रहा है और मेरी जानकारी में है कि भारतमाला के तहत जो ये 12 मीटर का जो कटिंग का कार्य है ये भविष्य में होना है, तो मैं समझता हूँ कि पूरा उत्तराखंड प्रदेश और निश्चित रूप से जनपद चमोली जो सीमांत एरिया है बॉर्डर लाइन का, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें होनी भी चाहिए। लेकिन क्षेत्रीय जो लोग हैं, जो यहाँ के आम लोग हैं जिनका रोजगार चलता है इन सड़कों के मध्य दूरी, जिनके आसपास जो दुकानें बनी हुई हैं, जिनका व्यवसाय यहाँ पर चल रहा है, उन लोगों की भी समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए इस पे निर्णय करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो मार्केट के एरिया है उस पे बाईपास का भी एक सुझाव जो है कि आम लोगों को जिस तरीके से आज बैठक की गई होगी उसमें वो सुझाव जाना चाहिए कि बाईपास बना के जो है कि जिससे कि जो है कि हमारी सामरिक दृष्टि से भी हम लोग सुरक्षित रहें और यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं, क्योंकि उत्तराखंड का मैक्सिमम जो लोग हैं वो पलायन की दृष्टि से बाहर जो जाते हैं, तो वो लोगों का पलायन भी ना हो और वो भी रुके रहे, उनका जो व्यवसाय है चाहे वो छोटी सी छोटी दुकान है वो अपने व्यवसाय से जो है कि अपने परिवार को भी उनका भरण पोषण हो। आज हम थराली बाजार में जो ये प्रभावित परिवार हैं इनका सामाजिक समाघात आकलन कर रहे हैं। अभी हमने एक मीटिंग करी है, इस मीटिंग में काफ़ी सारे लोग जो इस रोड के चौड़ीकरण होने से प्रभावित हैं अपने विचार रखे हैं, सुझाव रखे हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इन
को उचित तरीके से इनकी बातों का निस्तारण किया जाए और जिला प्रशासन का सहयोग और बीआरओ की मदद से हम एक अच्छा प्लान बनाएंगे ताकि इसका जो प्रभाव का असर हो कम से कम हो और आम जनता को सुविधाएं अधिक से अधिक प्राप्त हो। खबरों के लिए देखते रहें समय साक्षी और समय साक्षी के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।